तो गाइस अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए ले आया हूँ नेटफ्लिक्स की 5 बेहतरीन सीरीज जिसे क्रिटिक्स और व्यूवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिली है जो आपको हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए, तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 नंबर से। तो 5 नंबर पर है द स्ट्रेंजर जो एक ब्रिटिश मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसकी सीजन 1 में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एडम और उसके परिवार के बारे में बताती है जो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं और अचानक से उनकी जिंदगी में एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है जो उसकी पत्नी से जुड़े गहरी राज को खोल कर रख देता है, जिसके बारे में एडम पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है। सीरीज में हर एक करेक्टर की अपना एक राज है जिसे समय के साथ साथ अनफोल्ड किया जाता है और सीरीज की अच्छी बात तो ये है कि सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं करती है, हर समय एक नया राज का पर्दाफाश होता है। तो अगर आप सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जाके हिंदी डब लैंग्वेज में ट्रैक कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं 4th नंबर सीरीज के बारे में। तो 4th नंबर पे है द स्पाय, ये एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी एक इजराइल के जासूस के बारे में बताती है जो 1907 में सीरिया की गवर्नमेंट के प्लान्स पर पानी फेरा था। सीरीज की अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज सस्पेंस से भरपूर है जो अंत तक सस्पेंस को बनाने में कामयाब रही है, जिसके कारण व्यूवर्स को जो उबाव टाइप का फीलिंग है वो नहीं आती है। सीरीज काफ़ी अच्छी है। इस सीरीज की सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब लैंग्वेज में मिल जाएगी और सीरीज की अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज आधारित है एक सच्ची घटना पे और इस सीरीज की सीजन 1 में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेगी। तो अब चलिए जानते हैं टॉप 3 के बारे में। तो नंबर 3 पे है 30 Reasons Why। तो ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मिस्ट्री सस्पेंस टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज उनके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है और स्पेशली ये सीरीज मेरी मनपसंद सीरीज में से एक है जिसकी अब तक टोटल 4 सीजन आ चुकी है और अच्छी बात तो ये है कि ये सारे सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब लैंग्वेज में मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इस सीरीज की जो कहानी वो बताती है एक ऐसी लड़की के बारे में जो सुसाइड करने से पहले अपने मरने की 13 रीजंस देती है जो 13 डिफरेंट टैप्स में होता है। हर एक टैप्स एक खास लोगों के लिए होता है जो कहीं ना कहीं उसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार होता है और आखिर में उन सभी को पता चलता है कि उनकी वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर ली है। और इस सीरीज की कहानी काफ़ी रियल लगती है जिसकी वजह से ये सीरीज काफ़ी इमोशनली टच करती है। तो आप चाहें तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, आपको इसकी सभी सीजन वो हिंदी डब लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं नंबर 2 के बारे में। तो 2nd नंबर पे है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर की टोटल 5 सीजन है और 5 सीजन हिंदी डब लैंग्वेज में आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। सीरीज की अच्छी बात तो ये है कि इस सीरीज की सभी सीजन की हर एक एपिसोड एक यूनिक स्टोरी के साथ शुरू होती है जो इस सीरीज को काफी दिलचस्प बनाती है और इस सीरीज में कुछ ऐसे यूनिक स्टोरीज दिखाई गई है जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सीरीज को जरूर ट्राई कर लीजिएगा हिंदी डब लैंग्वेज में। तो हमारी इस लिस्ट में टॉप 1 नंबर पे है स्क्विड गेम। जी हाँ गाइस, ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक है, यानी बोले तो ये नंबर 1 सीरीज है नेटफ्लिक्स पर अभी। और इस सीरीज को क्रिटिक्स और व्यूवर्स की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली है। और अगर हम बात करें सीरीज की कहानी के बारे में तो इस सीरीज की जो कहानी वो बताने वाली है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो जिंदगी से तंग आ चुके हैं और पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जब उन्हें इन्वाइट किया जाता है एक ऐसे गेम को खेलने के लिए जिसे जीतने पर $38 मिलियन दिया जाएगा और हारने वाले लोगों के लिए बस एक ही सजा है मौत। और सीरीज की अच्छी बात तो ये है कि सीरीज के जो कैरेक्टर्स है वो काफी इमोशनली टच करती है जो इस सीरीज को काफी बेहतरीन बनाती है। और इस सीरीज की एक और अच्छी बात ये है कि इस सीरीज के सभी एपिसोड्स में से एक भी एपिसोड आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी, बल्कि आपको इस सीरीज की सभी एपिसोड्स आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगी जो आप, यानी गाइस अगर आप एक एपिसोड इस सीरीज को देखेंगे तो बिना दूसरे एपिसोड को देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को चेकआउट नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस सीरीज को देख चुके होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।